आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दो बार फ्लैश सेल में ट्राई करके और इतने लंबे इंतजार के बाद आज फाइनली OnePlus 8 Pro मेरे पास है। OnePlus ने लगभग सारी ही चीज़ें इस फ़ोन में डाल दी हैं जो कि इस फ़ोन को 2020 का एक बेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन बनाती है। बातें करते हैं बंद और जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं इस मास्टरपीस को। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं मैंगोमैन टेक। हैंडसेट आता है इस आउटर बॉक्स के साथ जिस पे लिखा है वी हैव अ स्पेशल डिलीवरी फॉर यू द न्यू OnePlus एंड अ होल लॉट ऑफ स्पीड टू। सो स्पीड तो हमें पूरी मिलने वाली है। चलिए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। OnePlus 8 Pro के दो वेरिएंट्स हैं, 8GB RAM 128GB स्टोरेज जो कि 54999 का है और 12GB RAM 256GB स्टोरेज 59999 प्राइस का। तो मेरा वाला जो मॉडल है वो है 12GB 256GB स्टोरेज वाला। ये फोन तीन कलर्स में आता है, ऑनिक्स ब्लैक, अल्ट्रा मरीन ब्लू, ग्लेशियर ग्रीन, और मैंने जो ऑर्डर किया है वो है ऑनिक्स ब्लैक कलर। फोन का एक्चुअल बॉक्स काफ़ी सिंपल है बट बहुत एलिगेंट है और ये काफ़ी लंबा भी है। अब हटा लेते हैं इसका श्रिंक रैप और देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स में सबसे पहले मिल जाता है हमें हमारा हैंडसेट जिस पे भी एक फिल्म चढ़ी हुई है और उस पे ऊपर हमें लोगो दिख जाता है इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर का। और इसी फोन को हम पीछे से देखें तो इस पे है वायरलेस चार्जिंग का लोगो। अब हटाते हैं हम इसका ऊपर का वाइट बॉक्स और देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस बॉक्स में हमें मिल जाता है कुछ लिटरेचर रेड केबल क्लब का, कुछ और लिटरेचर और ढेर सारे OnePlus के स्टिकर्स और कुछ और लिटरेचर। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स में और क्या है। सो इसके बाद हमें दिख जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस। इस केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस पर नेवर सेटल एम्बॉस हो रखा है। ये केस काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट है इसका वायर, वही फंकी रेड कलर में। साइड के कैबिनेट में से निकलेगा इसका 30 वॉट्स का वॉप चार्जर। हमें OnePlus 8 Pro में मिल जाता है वॉप चार्ज 30T और साथ ही साथ वॉप चार्ज 30 वायरलेस। सो इसमें दोनों तरीके से हम फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। हम इस फ़ोन को 50% चार्ज कर सकते हैं अराउंड 30 मिनट्स में थ्रू वायरलेस चार्जिंग और नॉर्मल वायर चार्जिंग में इस फोन की बैटरी 50% चार्ज हो जाएगी 23 मिनट्स में। अब हटा लेते हैं इस फ़ोन की रैपिंग और फील लेते हैं इस एक्चुअल हैंडसेट की। ये हैंडसेट मिरर फिनिश में है और ये थोड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है। इस फोन में हमें मिलता है 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फ्लूइड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले QHD प्लस डिस्प्ले है और साथ ही 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है। इस फोन के राइट साइड में मिल जाएगा मेरा फेवरेट अलर्ट स्लाइडर, पावर बटन और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा नॉइस कैंसलेशन माइक और लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स। नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, माइक और स्टीरियो स्पीकर्स। चलिए अब फोन को कर लेते हैं बूट और इनिशियल सेटअप कर लेते हैं। डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से काफ़ी स्मूथ है। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है और साथ ही इसको डिस्प्ले मेट की तरफ से A+ रेटिंग मिली है। अगर इस फोन के इंटरनल्स की बात करें तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है ऑक्सीजन OS जो कि एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है। CPU मिलता है हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 एंड इसमें मिलती है हमें 5G चिपसेट X55। सो ये फ़ोन 5G को भी सपोर्ट करता है। रैम हमें मिल जाती है 12GB LPDDR5 और स्टोरेज मिलती है 256GB UFS 3.0 टू लेन। बैटरी में मिल जाती है 4510mAh की एंड बिकॉज ऑफ वॉप चार्जिंग ये फोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया ये फोन 5G सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 है इसमें, ब्लूटूथ 5.1 है, NFC एनेबल्ड फ़ोन है और साथ ही साथ आपको GPS, GLONASS सब कुछ मिल जाता है।
इस फोन में आपको इंटरनेट यूज करने में काफी मजा आने वाला है, बिकॉज ये फोन डुअल कनेक्टिविटी यूज करता है आपके डेटा को अपलोड डाउनलोड करने में। सो ये फोन सेलुलर 4G डेटा और आपका वाईफाई के डेटा को क्लब करके डाउनलोड और अपलोड करता है, जिस वजह से आपको इंटरनेट की काफी अच्छी स्पीड मिलेगी। सेंसर्स की अगर बात करें तो इसमें हर वो सेंसर है जो कि आज के टाइम में एक फ्लैगशिप फोन में होने चाहिए। हमें इसमें मिल जाता है USB 3.1 जनरेशन 1 टाइप सी और डुअल नैनो सिम स्लॉट। ऑक्सीजन OS में आपको मेन्यू ऑप्शन, बैक और होम स्क्रीन पे आने के लिए जेस्चर्स मिल जाते हैं। ऑडियो की अगर बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट है, डॉल्बी एटमॉस है एंड ऑडियो 3D ऑडियो जूम है। इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। सो अगर किसी और फोन को अगर आपको चार्ज करना हो तो आप इस फोन को यूज करके भी वो दूसरा फोन चार्ज कर सकते हैं। इस फोन में आपको मिल जाती है IP68 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, और ये फोन है फुली डस्ट रेजिस्टेंट और पानी में अराउंड 1.5 मीटर्स तक रह सकता है 30 मिनट के लिए। इस सर्टिफिकेशन का वेट OnePlus यूजर्स बहुत टाइम से कर रहे थे और फाइनली OnePlus 8 Pro में ये सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। हमें मिल जाता है 16 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और वहीं अगर बात करें रेयर फेसिंग कैमरा की तो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं 4 लेंसेज। पहला है 48 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस IMX586, दूसरा है 48 MP का मेन कैमरा IMX689 OIS के साथ, तीसरा है 5 MP का कलर फिल्टर कैमरा और चौथा है 8 MP का हाइब्रिड जूम कैमरा, जिससे आप 30x डिजिटल जूम कर सकते हैं और इसमें भी आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। एक बार कैमरे का इंटरफेस भी चेक कर लेते हैं। इस कैमरे का इंटरफेस बाकी OnePlus फोन्स के जैसा ही बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको प्रो मोड मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाता है और जो भी आपको एक अच्छी फोटो खींचने के लिए चाहिए वो सब कुछ आपको इस कैमरा ऐप में मिल जाता है। बिकॉज ऑफ 48 MP वाइड एंगल लेंस, आप इस फोन में वाइड एंगल फोटोज जो कि काफ़ी बड़े एरिया को कवर करने के काम आती है वो खींच सकते हैं, साथ ही साथ नॉर्मल फोटोज भी बढ़िया खींच सकते हैं, और प्रो मोड को यूज़ करके आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी का भी मजा ले सकते हैं। ये फ़ोन ज़्यादा भारी भी नहीं है, अराउंड 200 ग्राम्स इसका वेट है और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी ईजी है बिकॉज ये बहुत वाइड नहीं है। सो थोड़ा लंबा ज़्यादा है बट वाइड ना होने की वजह से हाथ में इसकी ग्रिप अच्छी बन रही है। अब इसके साथ जो केस मिला है उसको भी एक बार इस पर चढ़ा के देख लेते हैं। ये केस भी काफ़ी अच्छा है और ये ऊपर से आपको अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है, साथ ही साथ इस पर जो नेवर सेटल एम्बॉस हो रखा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस हैंडसेट पे। ये फ्री केस काफ़ी अच्छा है और एडिशनली आपको इसके लिए केस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया फ़ोन निकाला है OnePlus ने और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2020 का बेस्ट फ्लैगशिप रहेगा। साथ ही साथ OnePlus से मेरी यही उम्मीद है कि वो हम सारे यूज़र्स की बातें सुनेगा, हमारे यूज़ को देखेगा और ऐसे ही नए नए फीचर्स अफोर्डेबल प्राइस में लाता रहेगा। इस वीडियो में एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए। इस OnePlus 8 Pro का मैं गिव अवे करूंगा कुछ टाइम बाद, सो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। हम मिलेंगे एक अच्छे से अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।